तो आज के ब्लॉग में मैं आपको कुछ इक्विपमेंट्स सिखाऊंगा जो मैंने ख़रीदी हैं ब्लॉगिंग के लिए। कुछ मेरे पास पहले से थी, कुछ मैं पहले दराज पे सेटल कर रहा था तो वो चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो आज आपको मैं अपना इक्विपमेंट दिखा दूँ और जो नई चीज़ें ख़रीदी हैं वो दिखा दूँ साथ में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊँगा, ये जो मैंने ख़रीदा है, ये मैंने कल ही ख़रीदा है, गोया का माइक है बाय M1। इस पे एक ये इसमें ओरिजिनल आता है, एक चाइनीज़ कंपनी आती है, चाइनीज़ आती है लेकिन वो रेप्लिका होता है। तो ये जो ओरिजिनल होता है उस पे यहाँ पे स्क्रैच कोड होता है, यहाँ पे ये वाला स्क्रैच कोड होता है। तो खोलते हैं इसको, मैंने पहले खोला था लेकिन अभी दोबारा आपके सामने खोल रहा हूँ। इसमें अंदर ये बैग आता है, पाउच, साथ में ये मैनुअल आता है और एक ये आता है। सही, ये दो चीज़ें भी। और पाउच में हमारे पास एक ये माइक हो गया, एक सेल है और साथ में चीज और ये माइक है। तो अभी लगा के चेक करते हैं। तो अभी जो ये आवाज आप सुन रहे हैं ये माइक की आवाज है। तो माइक भी बीच में ये लगा हुआ है। इसमें ये कि इसमें इसको आप इस तरह खोल लें, ओपन कर लें इस तरह, तो इसमें यहाँ पे सेल की जगह है, ये सेल की जगह है। तो इसमें भी मैंने सेल नहीं डाला, मोबाइल के साथ यूज़ करेंगे तो सेल नहीं लगेगा, जब आप कैमरे के साथ यूज़ करेंगे इस माइक को तो इसके साथ फिर सेल लगेगा। और यहाँ पे इसको एक स्विच ऑफ का ऑप्शन है और एक टू जो दूसरा ऑप्शन है वो कैमरे का ऑप्शन है। तो कैमरे के ऑप्शन पर आप जब करेंगे तो ये कैमरे पर फिर काम करेगा और सेल होना चाहिए इसमें। और अगर आप मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं तो इसको बस ऑफ़ पे कर दें, तो साथ में ये ऑफ़ और मोबाइल फ़ोन और ऑप्शन है, तो ऑफ़ पे होते ही ये मोबाइल फ़ोन ऑप्शन काम करना शुरू कर देगा। तो इसके अलावा मेरे पास एक ये है ट्राइपॉड है जो है सैमसंग का 8 फिट। तो सैमसंग का ट्राइपॉड है ये, मुझे बड़ा काफ़ी पसंद है। एक तो ये छोटा है, हिलाना आसान है, इसको इजी टू मूव है, और आप इसको कहीं पे रख के यूज़ भी कर सकते हैं, इस तरह कहीं भी रख दें तो आप टाइम लैप्स वगैरह ले सकते हैं और कोई वीडियो बना रही है वो भी कर सकते हैं, फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं। फ़ोटो के लिए इसमें एक ऑप्शन है, ये बटन है, आप ये ब्लूटूथ का बटन है, ये इसमें लगा होता है, तो आप मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लें इसको। तो कनेक्ट होने के बाद आप इसको कहीं भी रख दें और इसमें ये आपके हाथ में, तो आप इसको कहीं भी सर रख दें, मोबाइल फिट की हो और वो बटन मारा करें तो पिक्चर खींच लिया करेगा। और मोबाइल लगाने के लिए इसको आप इस तरह खींच सकते हैं, इस तरह खींच लें और मोबाइल आ जाएगा, इसमें आप इसको फिर यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये कि आप इसको ये जो नीचे वाला ट्राईपॉड है आप इसको अलग भी कर सकते हैं, तो आप इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह ये आपको कैमरे की ग्रिप देगा, जिस तरह कैमरे की ग्रिप होती है आप इसको यहाँ से इस तरह यूज़ कर सकते हैं, इस तरह पिक्चर स्क्रीन खींचने के लिए या वीडियो के लिए इजी होता है। इसके अलावा ये वाला मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया ट्रिप में, जो लास्ट ट्रिप थी मेरी नारायण की ट्रिप, तो उसमें ये मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किए। इसके अलावा एक ये ट्राईपॉड 3110, ये जो है मेरी अपनी शॉप थी दराज पे, तो मैंने उसके लिए लिया था, काफ़ी ज़्यादा लिए तो बिक गए थे, तो ये एक रहता था मेरे पास, अभी मैं ये यूज़ कर रहा हूँ और सस्ता भी है ये वाला। ये जो है ये मोबाइल होल्डर गाड़ी के लिए यूज़ होता है, इसमें आप मोबाइल लगा लें इस तरह करके, तो आप शीशे पर लगा सकते हैं, इस तरह सामने शीशे पर आप इसको इस तरह लगा सकते हैं,
और इसको ये लॉक हो जाता है इस तरह। तो इसको आप शीशे पे लगा के टाइम लैप्स भी ले सकते हैं। अगर आपने बात करनी हो तो आप कैमरे को मोबाइल को उल्टा लगा लें इस तरह करके, और शीशे पे लगा लें, आप बात भी कर लें, रिकॉर्ड कर सकते हैं। और वैसे अगर आप उसके कोई वीडियो कॉल हो वो भी कर सकते हैं, सर लगा के यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये मैंने कल ऑर्डर किया था, कल पहुंचा, तो ये इसको क्या बोलते हैं, मोबाइल पाउच। हाँ मोबाइल पाउच है, लेकिन इसमें एक मसला है, उन्होंने भिजवा दिए और कलर ये कलर भिजवाए हैं, कोई और कलर मिले ही नहीं उनको, खुदा के बंदे कोई और कलर भिजवाए थे। तो ये जो है बारिश बारिश में, या अगर आप कहीं स्विमिंग वगैरह करने गए हैं तो आप इसमें अपने मोबाइल रख सकते हैं ताकि वो गीला ना हो। जिसका मोबाइल वाटरप्रूफ ना हो तो उसके लिए अच्छा है, जिसका वाटरप्रूफ है फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर वाटरप्रूफ भी हो तो फिर भी अगर आप पानी में नहा रहे हैं तो आप उसको अपने पास रख सकते हैं ना, इसमें डाल लें, पहन सकते हैं इसको। तो एक ये इस तरह खुलता है, फिर इसके अंदर ये दो जगह लॉक हुआ होता है, ऊपर से इसको एक लॉक खोलें, फिर इसमें नीचे सेकंड लॉक होता है ये वाला, ये लॉक खोल लें, इसमें आप मोबाइल इस तरह डाल लें। तो पहले फिर ये वाला लॉक बंद करें, फिर ऊपर सेकंड लॉक बंद करें, इसको फिर इस तरह फोल्ड, और फोल्ड करने के बाद इसको इस तरह बंद कर दें, तो ये इसमें होगा। तो ये मैंने लिया था, मैंने क्या हो सकता है कहीं चक्कर शक्कर लग जाए हमारा कहीं, तो फिर मोबाइल रखने के लिए जगह नहीं होती, तो ये उसमें काम आएगा। ये भी सस्ता है, महंगा नहीं है। हाँ एक ईयर रिंग लाइट, ये तो मेरे पास घर में पड़ी हुई थी क्योंकि मेरे शॉप पे ये भी बिकता था ना। तो इसमें ये वाली मॉडल जो है ZE666 मॉडल है, इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको यूज़ ऐसे करते हैं कि ये इसका मोबाइल होल्डर है, तो इसको आप सेंटर में लगा लें, यहाँ पे सेंटर में लगा लें। और ये जो केबल है आप इसको अगर आपके पास पावर बैंक है उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, पावर बैंक ना हो तो जो मोबाइल का चार्जर होता है उसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर वो ना हो तो सिस्टम पे भी कर सकते हैं। मैं तो सिस्टम पे कर रहा हूँ अभी। तो इसमें इसको एडजस्ट कर सकते हैं आप, आगे भी कर सकते हैं इसको इस तरह फोल्ड करके, और पीछे भी कर सकते हैं। तो इसमें आप मोबाइल इस तरह रख सकते हैं, मसलन आपने इसको इस तरह मोबाइल रख दिया वीडियो बनाने के लिए, और इसमें इसी वायर में ये बटन होते हैं, इसमें चार बटन होते हैं, जो सबसे नीचे वाला बटन है वो पावर का बटन है, और ऊपर तीन जो बटन है वो लाइट चेंज करने के लिए और लाइट डिम और तेज़ करने के लिए। पावर का बटन को मारेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, और ये जो प्लस है प्लस को दबाएंगे तो तेज़ होगा, लाइट की जो ब्राइटनेस है ज़्यादा हो जाएगी, और जो माइनस है इस तरह डिम होगा, ये ब्राइट ये डिम, और बीच में ये चेंज का बटन है तो इसको आप क्लिक करें तो लाइट चेंज होगी। इस तरह तीन कलर्स होते हैं इसमें, तो ये इंडोर में कभी कभी काम आता है, अगर लाइट कम हो आपके पास तभी काम आते हैं। और इसके नीचे ये है, ये इसमें आप लगा लें तो आप इसको फिर किसी एंगल पे एडजस्ट कर सकते हैं, अगर ऊपर करना है नीचे करना है, इसको फुल ऊपर करना है तो जिस तरह आपको पसंद हो। तो ये भी मिल जाता है, हाँ ये सेल्फी स्टिक ली थी, ये भी ट्रिप में मैंने यूज़ किया, नारायण के ट्रिप में मैंने इसको यूज़ किया था। इस सेल्फी स्टिक की सबसे अच्छी बात यह है कि ये ज़रा स्ट्रांग है, वो दूसरी मिलती है 300-400 रुपये की, वही होता है कि आप पिक्चर खींचे ना तो वो हिल रही होती है क्योंकि वो मज़बूत नहीं होती। और दूसरी बात इसमें अच्छी ये है कि इसमें ब्लूटूथ है, ये देखें ये रिमोट है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं इसको,
तो इसमें बीच में कैमरे का बटन है, तो आप मोबाइल सेल्फी स्टिक की तरह पकड़ लें और मोबाइल तस्वीर आप खींच सकते हैं इस पर। मोबाइल के साथ इसको कनेक्ट कर लें ब्लूटूथ को और पिक्चर्स खींच सकते हैं। अब इसमें बटन जूम इन जूम आउट का भी है, लेकिन मेरे ख्याल से वो काम नहीं करता और ना मैंने चेक किया, मुश्किल है काम करे वो। तो यही चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ें आपको, अगर इन केस आपने अपने लिए ख़रीदनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी 4-5 हज़ार रुपये में मिल जाएंगी। सारी सस्ती हैं, इतनी महंगी नहीं है। और इस सेल्फ़ स्टिक में एक और चीज़ भी है, इसमें आप स्क्रू की जगह पीछे है यहाँ पे, तो आप इस पे ये भी लगा सकते हैं। तो इन केस अगर आप ग्रुप फ़ोटो ले रहे हैं तो आप इसको इस पर लगा लें, या कहीं पे टाइम लैप्स के लिए लगाना है तो बस इसको इसमें मोबाइल होल्ड कर लें और जिस एंगल पे इसको सेट करना है इस तरह आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें जो हैं सस्ती हैं और चाइनीज़ हैं, सिवाय इसके ये महंगा है। और ये मुझे सिस्टम ने गिफ्ट किया था 4-5 महीने पहले, तो उसको मैंने बड़ा यूज़ किया है और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ग्रिप भी अच्छी है और लाइट वेट भी है, और इस तरह भी ग्रिप अच्छी है, ब्लूटूथ भी है साथ में। इसके अलावा जो सेल्फी स्टिक है ये मिल जाती है 1800 रुपये की। रिंग लाइट हो गई, रिंग लाइट मिल जाती है तकरीबन कोई जिसमें साइज़ होते हैं, ये वाला साइज़ जो है तकरीबन 1200 रुपये का ये मिल जाता है, 8000-1200 ये रेट है इसका। रह गया ये 3110 ट्राईपॉड जो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, ये मिल जाता है 600-700, बाज़ार में तकरीबन 800-900 रुपये का दराज पे आपको सस्ता मिल जाएगा। लेकिन एक दराज पे आपको 600 का भी मिल जाता है, फिर वो पार्सल चार्जेस 200 लग जाते हैं, तो फिर 800 हो जाते हैं, तो एक ही बात है। इसके अलावा जो ये पाउचेज मैंने लिए हैं, ये मिल जाते हैं 100 रुपये का पाउच है, यहाँ पे तो मिले नहीं थे इसलिए मैंने दराज से मंगवाए हैं, तो 100 रुपये का पाउच मिल जाता है और काम भी अच्छा करता है, ठीक ही करता है। रह गई ये माइक बोया, तो बोया तो ये है कि ओरिजिनल जो माइक है वो 1500 से लेकर 2000 का मिलता है, और चाइनीज़ आते हैं, चाइनीज़ मिल जाते हैं कोई 800-900-1000 रुपये में। तो ये इक्विपमेंट ख़रीदे ख़रीदे कुछ ख़रीदे कुछ पड़ा होता है मेरे पास पहले का, तो फ़िलहाल तो और इक्विपमेंट ख़रीदने का प्लान नहीं है मेरा। ख़रीदूँगा जब व्यूज़ बढ़ जाएं और सब्सक्राइब्स बढ़ जाएं, तो फिर मैं ऐसा ऐसा चीज़ें अपग्रेड करूँगा टाइम टू टाइम। तो सबसे इसके बाद जो सबसे मेन चीज़ अपग्रेड करनी है वो मेरा कैमरा है, हो सकता है मैं फिर कैमरा ले लूँ इसके लिए ताकि रिज़ल्ट अच्छा आया करे। और हाँ, ये माइक जो है ये मैंने अभी सिर्फ इंडोर यूज़ के लिए लिया है, आउटडोर के लिए वो दूसरा माइक लूँगा बोया का, वो भी अच्छा है, लेकिन वो यहाँ पे मिला नहीं था। देखता हूँ अगर चक्कर लग गया इस्लामाबाद का पिंडी का वहाँ पे ले लिया तो ठीक है। उससे ये है कि उसको फिर मतलब आप मोबाइल पे लगा लें या कैमरे पे लगा लें तो बस वो आसान होता है, आप इस तरह हिला सकते हैं, तो जो बंदा बात कर रहा है उसमें वो आसानी आसानी से वो हो सकता है ना। इसमें ये है कि आप, अब मैंने लगाया तो मैं ही बात कर सकता हूँ, अब दूसरा बात करेगा तो उसकी आवाज़ साफ़ नहीं आएगी इसमें। तो टाइम टू टाइम अपग्रेड करें ये चीज़ें। और गर्मी बहुत है यार, बिजली जा रही है, रात से ख़राब हुई हुई है तो आ रही जा रही है। तो शुरू में आपको मेरे ख्याल से जनरेटर की आवाज़ भी आ रही होगी, होपफुली इस माइक में जनरेटर की आवाज़ ना आ रही हो आपको। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।